गुजरात स्टेट रोलर स्केटिंग में भरूचनी लाइमा खाने गोल्ड मेडल मेळवीने भरूचने गौरव अपाव्यु छे। सूरत खाते 40मी गुजरात स्टेट रोलर स्केटिंग चैम्पियनशीप 2020-21 आयोजन थयुं हतुं, जेमां मूळ भरूचना मम्मदपुरा खाते हबीब पार्क में रहता रमतप्रेमी मुनाफ पठाणना पुत्री लाइमा खाने पण भाग लीधो हतो। युवतीओ माटेनी आ स्पर्धामां गुजरातमांथी अन्य गर्ल सेक्रेटरीओ पण भाग लीधो हतो, जेमां लाइमा खाने 500 मीटरमां गोल्ड मेडल, 1000 मीटर रिंक रेसमां सिल्वर अने रोड रेस ऑन लेपमां सिल्वर मेडल मेळवीने भरूचने गौरव अपाव्यु छे। लाइमा खानना पिता मुनाफ पठाण पहलेथी ज रमतगमतने वरेला छे। तेओ बाळको अने युवानो रमतगमतमां पोतानुं कौवत बतावी शके ते माटे बी फोर यू स्पोर्ट्स नामथी एक संस्थान चलावे छे। तेमना कहेवા મુજબ લાઈમા નાની હતી ત્યારે થોડી બોડી વધારે હતી એટલે તેઓ તેને જેનેપ્સીના મેદાનમાં દોડવા લઈ જતા, જ્યાં બાળકોને સ્કેટિંગ કરતા જોઈ તેને પણ સ્કેટિંગ કરવાની ઈચ્છા થઈ અને ત્યાંથી સ્કેટિંગની શરૂઆત થઈ હતી। લાઈમાએ સતત સ્કેટિંગની પ્રેક્ટિસ કરી જિલ્લા કક્ષાએ સફળતા મેળવી હતી, જોકે રાજ્ય કક્ષાએ વડોદરામાં એક વખત નિષ્ફળ ગયા બાદ તેને વધુ પ્રેક્ટિસ હાથ ધરી હતી। તે દરમિયાન કોરોના મહામારીમાં બધું ઠપ થઈ જતાં તેની પ્રેક્ટિસ ઉપર પણ બ્રેક લાગી હતી। કોરોનાની સ્થિતિ સામાન્ય થતાં લાઈમાએ ફરી સ્કેટિંગની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી સખત મહેનત કરી અને રાજ્ય કક્ષાએ સફળતા મેળવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્ય કક્ષાએ ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ મેળવ્યા બાદ લાઈમા ખાન ચંદીગઢના મોહાલી ખાતે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય કક્ષાની અંદર 17ની સ્કેટિંગ સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે। इस पैंडेमिक में सब कुछ बंद हो गया था, स्पोर्ट्स हमारी एक्टिविटी बंद हो गई थी, घर में भी बहुत कोशिश की पर फिर भी बाहर जैसा तो मज़ा नहीं, और मेंटली डीमोटिवेट हो गए थे, मोटिवेशन सारा चला गया था, वो एंथुजियाज्म चला गया था, और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से पढ़ाई में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, और बिल्कुल एक्टिविटी बंद हो गई थी इसलिए एजुकेशन में भी पढ़ाई में भी बहुत लॉस हुआ है। ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होने लगा हमारी प्रैक्टिस फिर से शुरू हुई, हमने फिर से मेहनत शुरू कर दी इस सब कॉम्पिटिशन्स के लिए, और वैसे भी फिजिकली फिट रहने के लिए, जिसकी वजह से मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। और ये जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होने लगा हम लोग ने मेहनत शुरू की, और अभी अभी मैं सूरत से आई हूँ। गुजरात लेवल पे कंपटीशन थी, आरएसएफआई नेशनल्स का सिलेक्शन था, उसमें मैं एक गोल्ड और 2 सिल्वर जीती अंडर 17 गर्ल्स में, और अब मैं नेशनल्स जाऊँगी मोहाली, गुजरात को रिप्रेजेंट करूँगी अंडर 17 में अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और ये जीतने के बाद मैं फिर से मुझे वो मोटिवेशन और एंथुजियाज्म आ गया है, फिर से वो मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ, और खेल सबको खेलना चाहिए, वो मेंटली स्ट्रांग करता है कोई किसी भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट किसी भी लेवल पे, या तो फिर ऐसे भी खेल सकते हो जिससे वो आप सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होंगे।